आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर रखा उपलब्धियों का लेखा जोखा। कहा, हमने जो कहा सो किया। सरकार ने 100 दिनों के लक्ष्य जो तय किए थे उन लक्ष्यों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कार्य, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसने सरकार की दिशा को कर देगी स्पष्ट कि अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में बढ़ रही है आगे। वृद्ध के कथित अपहरण का फायदा उठाकर परिजनों से चिट्ठी के माध्यम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। पशु तस्कर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। जुलाई को जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल पर बाढ़ से बचाव पर होने वाले मॉक ड्रिल के पूर्व हेलीकॉप्टर से किया गया रिहर्सल। 7 जुलाई को किया जाएगा फुल अभ्यास। बरसात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरती जा रही है सावधानी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, बरसात से निपटने के लिए मटेरियल का किया गया है भंडारण, वाटर लेवल की जा रही है निगरानी। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिजली से बचने के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दामिनी ऐप। बरसात के समय ऐप 15 मिनट पहले बताएगा किस क्षेत्र में गिरेगी बिजली। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। और भोजपुरी फिल्म दाग एक गोलांछन का मुहूर्त सदर सांसद रवि किशन के हाथों हुआ संपन्न। कहा, फिल्मों की शूटिंग का हब बनता जा रहा है गोरखपुर। सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा, यहां की आबोहवा व सुंदरता की मुफीद है फिल्मकार।